आते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3300 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे, आज निवेश आ रहा है, एसटीपी लग रही है, फोर लेन बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, गोमती नदी में पुल बन रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी यहां के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर में नल की योजना लागू हो रही है, शुद्ध पेयजल, हर गरीब को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, और हर निराश्रित बालक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जो बच्चे, जिनके अभिभावक उस महामारी की चपेट में आ गए थे, उनके लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था भी की है, उनके लिए लैपटॉप भी दे रही है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था भी कर रही है, श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, और अब हम हर जनपद में इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन आज संभव हो पाया है। स्वर्गीय राजनाथ सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज निर्माण के अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, जौनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज हो, जौनपुर में विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से काम करे, एक सपना था आज हकीकत है, और यही डबल इंजन सरकार की ताकत है। उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आपके में आपके पास हम लोग आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन सरकार स्पीड भी बढ़ाती है, आपके स्केल को स्किल के साथ बदलने का कार्य करके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है, और यह कार्यक्रम एक निरंतरता प्राप्त कर सके, इसको लेकर के ही आज हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हम तब कर पाएंगे जब जनपद स्तर पर भी उस प्रकार का मंथन प्रारंभ हो। जनपद स्तर पर जिले के लिए कार्य योजना तैयार हो रही है, लेकिन जिला की छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, नगर पंचायतें हैं, इनको भी तैयार होना होगा, ये भी आत्मनिर्भर बने, ये भी इस विकास की दौड़ के साथ सरपट दौड़ते हुए दिखाई दे, और जो भी
सरपट दौड़ करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वह विकसित भारत की परिकल्पना का सारथी माना जाएगा और वह इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसी के लिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। एक अवसर है हम सबके पास, हमारा देश दुनिया की बड़ी ताकत बने, हर भारतवासी का इस संकल्प होना चाहिए। मोदी जी इसी बात को लेकर कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, गुलामी के अंशों को समाप्त करना, अपने नागरिक कर्तव्यों को मानना, जाति पाति के आधार पर विभाजित करने वाले लोगों से पूरी तरह अपने को दूरी बनाए रखना। ये लोग जाति के नाम पर तो आते हैं लेकिन अपने परिवार के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, परिवार से उभर नहीं पाते। आपने देखा होगा पिछली सरकारें यही करती थी। हमें देश के बारे में सोचना है, समग्र समाज के बारे में सोचना है और मोदी जी का यही संकल्प है, सबका साथ और सबके विकास का मंत्र इसी संकल्प को आगे बढ़ाने की कड़ी है। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ राष्ट्रनायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, मैं धन्यवाद दूंगा समिति को भी, कृपा शंकर सिंह जी को भी, गिरीश यादव जी को भी, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को। इतनी भव्य प्रतिमा और कितना भव्य वहां पे चौराहा और पार्क बनाया गया है, यानी कितना भव्य बनाया गया। राष्ट्र नायकों के प्रति जब सम्मान का भाव होगा तो बहनों और भाइयों दुनिया की कोई ताकत उस देश और उस समाज का बाल बांका नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के इस शौर्य और पराक्रम को इस जौनपुर के ही बगल में जनपद है मऊ, वहां के एक राष्ट्र कवि हुए श्याम नारायण पांडे, पांडे जी ने ही हल्दी घाटी के माध्यम से दुनिया के सामने किस ओजपूर्ण तरीके से रखा था। तब पांडे जी अपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से हल्दी घाटी का वाचन करते थे, पूरी जनता झूम उठती थी उसके साथ में। मैं इस अवसर पर उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने जनता के साथ अपने आप को जोड़ करके भावनाओं का सम्मान किया, अपने शब्दों के माध्यम से उसको जीवंतता प्रदान की। और आज जौनपुर में हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर तमाम विकास के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी है, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है, यह तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उनके मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए 2024 का, अगले दो महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुरवासी का, हर प्रदेशवासी का कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए आवश्यक है यहां पर भी वह करके दिखाना है। तैयार है ना सब लोग? सभी लोग सहमत हैं। मोदी जी की सरकार के लिए घर घर कमल खिलाना होगा, सभी लोग सहमत हैं ना? और यही कमल लक्ष्मी लेकर के आएगा, मां लक्ष्मी को यही लेके आएगा और उसी से फिर बड़े बड़े विकास के युग कार्य होने।
मैं अभी यहां पे आ रहा था तो मेरे पास गिरीश जी बोल रहे थे कि हौज से लेके लाइन बाजार नई गंज होते हुए कोल्हान मऊ बाईपास पर इस सड़क के बारे में कह रहे थे। हमने कहा ये सड़क तो सब मंत्री ने स्वयं ही है और ये सभी सड़कें बनेंगी। ऐसे ही उन्होंने दो तीन अन्य कार्यों के बारे में भी उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं। लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पूरे प्रदेश में वे भ्रमण करते हैं। खेल और खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लेकर के आते हैं। पहली बार आपने देखा होगा आपके विधायक कैसे कार्य करते हैं। 500 खिलाड़ी इन्होंने खेल विभाग के माध्यम से आज अलग अलग पुलिस में और अलग अलग विभागों में उन्होंने भर्ती करवा दी। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीते हैं, हर जिले में स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, गांव गांव में खेल का मैदान भी बन रहा है, तो वही स्पीड इन सड़कों के लिए, विकास के कार्य के लिए भी होगा। और भाइयों बहनों, स्पीड के लिए हमें मां लक्ष्मी को खुश तो करना पड़ेगा और उसके लिए कमल का फूल आवश्यक है, समझे ना। फिर एक बार, फिर एक बार, सभी लोग सहमत हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर वासियों को इन 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए समिति और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, कृपा शंकर जी को जिन्होंने संयोजन करके इस भव्य प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया, इसके लिए सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। और उक्रेन छोड़े से ब्रेक के लिए।